أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Today in this session we will cover complete traumatology inshallah. According to UHS table of specification, it has 1 SEQ and 9 MCQs. It is very lengthy unit and we will try to cover as quick as possible. So without any further ado, let's start. First one, traumatology is about mechanical injuries. और इसी में से सबसे ज़्यादा एम सी क्यूज आए हुए हैं. सी क्यूज भी इसी चैप्टर में हैं मेजर. और इंजरीज के बारे में जो वोंड है उसकी टाइप्स सबसे पहले पूछी जाती हैं. वोंड्स की टाइप्स, बाकी सारी चीज़ें कॉमन है, बहुत जल्दी हमने कवर करना है. इस वजह से मैं चीज़ों को टच किए बगैर, जो कि अनइम्पॉर्टेंट है, गुजर जाऊँगा, उन चीज़ों पर फोकस करूँगा जो आती हैं और आएंगी इंशाल्लाह. 90% से 95% चीज़ें इंशाल्लाह ये पेपर का हिस्सा बनेंगी. सबसे पहले आते हैं बात टाइप्स ऑफ वोंड की. और इनको ये ऐसी क्यों आई हुई है, इसको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन सब टाइप्स पे हमने तफसील से गुफ्तगू करनी है, बात करनी है. इन सब पे अलग अलग ऐसी क्यूज आए हुए हैं, लेकिन फिर भी एक क्विक रिव्यू लेते हैं. ब्रूज है, और ये जो है माइल्ड टू सीवियर फॉर्म में जाती है. ब्रूज एक माइल्ड फॉर्म है वोंड की. फिर एब्रीजन्स होते हैं, उसकी भी आगे टाइप्स हैं. लेसिरेशंस हैं, इंसीजंस, पेनिट्रेटिंग वोंड, गनशॉट इंजरीज, जो कि अलग चैप्टर हमने करना कंप्लीट. तो सबसे पहले हम ब्रूज के ऊपर बात करेंगे. ब्रूज का दूसरा नाम कंट्यूजन है, जो एमसीक्यू में आया हुआ है. और इसकी ब्रूज में ये होता है कि इसमें ब्लीडिंग नहीं होती, और जो नील है बॉडी के ऊपर पड़ जाता है, जिसको उर्दू में नील कहते हैं, या फिर इंग्लिश में हम उसको कह सकते हैं कि कलर चेंजेस होती हैं. और ये किसी ब्लाइंड वेपन के थ्रू होता है. मैकेनिक्स पे चलते हैं, तो इसमें से एसीक्यू है अकॉर्डिंग टू इट्स लोकेशन. इसकी टाइप्स पूछी गई हैं, दैट इज एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्टोपिक, नाम से पता चल रहा है डेफिनेशन. लेकिन ये जो टाइप्स हैं ये इंटरनेशनली वेरीफाइड नहीं है. इस वजह से इन अगर टाइप्स जनरली पूछी जाएं तो हम ये नहीं लिखेंगे, बल्कि ये जो अलग से इधर मेंशन है, ये बुक में नहीं थी, मैंने इसे अलग से मेंशन कर दी है. और इसके साथ ही निमोनिक भी दे दिया, याद कैसे करना है, और ताकि ये हम आराम से कवर कर सकें ऐसी क्यों. इसको याद करने का तरीका ये है, IT इज प्राइमरी डिपार्टमेंट ऑफ FBR, क्योंकि इसका और कोई निमोनिक नहीं बन रहा था, ये सबसे बेस्ट निमोनिक है इसका. I4 है इंट्राडर्मल, T4 है ट्रैम्पलिन. इसके बाद इस को स्किप करना है हमने. प्राइमरी का P जो है वो पेटिकल हेमरेज, डिपार्टमेंट का D जो है उसका उससे डिफेंसिव, ऑफ स्किप करना है. F जो है उससे फिंगरप्रिंट, B फॉर बैटल साइन, R फॉर रेकून आई बन जाएगा. इसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसकी एजिंग में कवर हो जाएगा. फैक्टर्स मॉडिफाइंग द अपीयरेंस ऑफ वुड भी अंडरस्टूड है, करने की जरूरत नहीं, ना ही पूछा गया. एज ऑफ ब्रूज, ये MCQ और SCQ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये करते हैं कवर. इसको याद करना है, काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है. इसका आसान तरीका ये है कि जो इनके आगे कीज लिखी हुई हैं ब्रैकेट में, स्ट्रक्चर या सब्सटेंसेस बताए हुए हैं, इनको हम याद करें. इनकी कलर से हम इसकी कलर वेरिएशन देख सकते हैं. और हमने इसको ऑटोप्सी में, सॉरी थैनाटोलॉजी में भी कवर किया था. इसका कंपैरिजन किया था या डिफरेंशियल डायग्नोसिस किया था हाइपोस्टेसिस के साथ, उसमें भी हमने कलर वेरिएशन का वर्ड यूज़ किया था. इसमें एक MCQ पहले कर लेते हैं कवर. सब कॉन्जेक्टाइवल हेमरेज होते हैं, जिसको पेटिकल हेमरेज भी कहते हैं, जो इसकी टाइप है ब्रूज की, वो पेरिफ्री टू सेंट्रल मूव करता है. तो उसकी इंजरी जो होती है उसके, उसमें सबसे पहले ये जो ब्रूज में रेड फ्रेश कलर ड्यू टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन आ जाएगा. ये ऑक्सीजन की वजह से रेड कलर होता है. अब ऑक्सीजन रिमूव हो गई है तो रिड्यूस हीमोग्लोबिन की वजह से वो ब्लू या वॉयलेट कलर हो जाएगा 1 से 2 दिन बाद. दो आगे आ जाएगा हीमोसिड्रिन. हीमोसिड्रिन के 2 कलर होते हैं, जो कि ब्राउनिश ग्रीन होता है. पहले वो ब्राउन कलर देगा 2 से 4 डेज में, फिर ग्रीन कलर देगा जो कि 5 to 7 डेज बाद हमें नजर आ जाएगा. यहाँ पे 1 वीक कंप्लीट हो जाएगा. अब नेक्स्ट वीक में चलेंगे तो बिली रूबिन की फॉर्मेशन होगी, और हमें अंडरस्टूड है बिली रूबिन वर्ड येलो से है, तो येलो कलर आ जाएगा 7 to 10 डेज के बाद. फिर नॉर्मल कलर हो जाएगा दूसरा हफ्ता जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, यानी 14 to 15 डेज के अंदर अंदर. सो इसको 2 हफ्ते लगते हैं कंप्लीट होने में,
यहाँ से हम इसको याद कर सकते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस पहले हमने कर लिया हुआ है पीछे से। इसके अलावा हाइपोस्टेसिस के अलावा यहाँ पे सूडो ब्रूजिंग, आर्टिफिशियल ब्रूजिंग और कंजेशन ऑफ ऑर्गन्स भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में पूछी नहीं गई, जस्ट फॉर द नॉलेज बता दी गई है। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ब्रूज की ये बार बार पूछी गई है, इसको भी हम अंडरस्टूड है, खुद से लिख सकते हैं। ब्रूज जो है इसे हम डिग्री ऑफ वॉयलेंस, टाइप ऑफ वेपन, टाइम सिंस इंजरी, कलर वेरिएशन से हम पता लगा सकते हैं। तो इसके ऊपर हम बुक से ज़्यादा खुद लिख सकते हैं। इसके बाद एंटीमार्टम और पोस्टमार्टम ब्रूज, और ये काफ़ी ज़्यादा एंटीमार्टम और पोस्टमार्टम इंजरीज का डिफरेंस आएगा आगे भी दूसरी भी टाइप्स के लिहाज से। सो इसका एक की वर्ड है, हमने एक ही की इसकी याद करनी है सब के लिए, वो इंशाल्लाह सब में अप्लाई होगी, सब क्लियर हो जाएगा। एंटीमार्टम जो भी आएगी चीज़ वो एक्टिव होती है, पोस्टमार्टम जो भी चीज़ आएगी वो पैसिव होती है या इनएक्टिव होती है। सबसे पहले माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो एंटीमार्टम में मार्जिन, स्वेलिंग, कलर चेंज और एपिथीलियम, ये सारी की सारी जो है डिफ्यूज, प्रेजेंट, प्रेजेंट अब्रेडिड है, यानी कि कुछ हद तक प्रेजेंट है और अच्छे तरीके से प्रेजेंट है। जबकि पोस्टमार्टम में देखें एब्सेंट, एब्सेंट, नॉट अब्रेडिड और शार्प है, वेल डिफाइंड मार्जिन, ये का पूछा गया। इसके बाद सॉरी ये मैक्रोस्कोपिक था, माइक्रोस्कोपिक देख लेते हैं। इसमें दो पॉइंट्स हैं, एक केमिकल चेंज और माइक्रोस्कोपी, इन दोनों को हम एक ही साथ कवर करते हैं क्योंकि इन्फ्लेमेटरी सेल्स में पॉलीप्स और मोनप्स लिखे हुए हैं तो ये 24 to 48 hours बाद अपीयर होते हैं। इसी में ही हिस्टामिन और सेरोटोनिन जो कि इन्फ्लेमेटरी सेक्रेटर्स हैं, जो कि इन्फ्लेमेशन की साइड पे आते हैं एजेंट्स, तो ये भी रिलीज होते हैं, तो ये हमने साथ ही कर लिया। बाकी एंजाइम्स भी चूंकि सेक्रेटर्स कर लिए हैं तो वो अंडरस्टूड होगा कि एंजाइम भी साथ ही हमने एक पॉइंट है, फीचर है, करना है। इसमें एक एसिड से रिलेटेड है, एक अल्कलाइन है, यानी एसिड फॉस्फेटेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, अल्कलाइन सबसे एंड पे है, एसिड फॉर आर्स के बाद है। इसके अलावा एटीपीएज और एस्ट्रीएज जो सबसे पहले होता है, जिसे राइगर मॉर्टिस होता है, जो 1 hour में अपीयर हो जाता है। इसके अलावा अमाइनो पेप्टिडेज है, जो कि 2 hours में होता है। ये जो रेड मार्क्स हैं ये नीचे आ रहा होगा, ये सारे एमसीक्यूज हैं। इसके अलावा एक इंसीजन टेस्ट है, जो इसका पॉजिटिव होता है और इसका यानी एंटीमार्टम का पॉजिटिव है और पोस्टमार्टम का नेगेटिव है। ब्लैक आई, रैकून आई या पांडा आई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पहले तो ये बताना है कि डेफिनेशन क्या है इसकी। ये बेसिकली एक ट्रक पंच या किक से जो कि आई सॉकेट पे लगती है, ब्रूजिंग हो जाती है अपर या लोअर आईलिड पे, जिसे पेरी ऑर्बिटल हेमाटोमा भी बोलते हैं। और इसकी मेजर कॉज जो होती है वो ब्लो होती है, जर्ब होती है आई के ऊपर, वर्टेक्स के ऊपर, फोरहेड के ऊपर, ये काजेज बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। और एक एमसीक्यू में पूछा गया है कि फ्रैक्चर ऑफ स्कल जो है वो जस्ट इंटीरियर पार्ट ऑफ क्रेनियल फोसा का होगा, तभी रैक्यून आई होगी। मिडल या पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में अगर फ्रैक्चर है तो उसे रैक्यून आई नहीं होगी। एब्रेशन को का फर्स्ट एब्रेशन नेक्स्ट फॉर्म है, पहले ब्रूज था, एब्रेशन आ गया है। इसमें सुपरफिशियल स्किन जो है उसकी इंजरी हो जाती है और कुछ हद तक जो है वो वो ब्लड भी, ब्लीडिंग भी होती है, जो कि हल्की हल्की ब्लीडिंग ना होने के बराबर ही होती है। और इसमें इसको कंफ्यूज किया जाता है आंट बाइट से, यानी कि ये इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। इसमें रेटिकुलर फाइबर्स भी नजर आते हैं हमें, जो 8वें दिन में नजर आते हैं। इसके अलावा इसकी टाइप्स पे एमसीक्यूज हैं, इसकी टाइप्स यहाँ पे मूविंग इम्प्रिंट और फ्रिक्शन लिखी गई हैं, लेकिन एमसीक्यू में इनको दूसरे नामों से पूछा गया, यानी मूविंग को स्क्रैपिंग एब्रेशन कहा गया, इम्प्रिंट को इम्पैक्ट एब्रेशन कहा गया, फ्रिक्शन को प्रेशर एब्रेशन कहा गया। इम्प्रिंट और फ्रिक्शन ये दोनों जो है अंडरस्टूड है, यानी कि इम्प्रिंट का मतलब है किसी टायर मार्क्स का या कोई स्पेशल मार्क्स जो कि हम वेपन या कोई ऑब्जेक्ट इंजरी के दौरान लगे उसकी इम्प्रिंटिंग हो गई है, और फ्रिक्शन में फ्रिक्शन के थ्रू ये एब्रेशन होती है। मूविंग के फिर आगे दो टाइप्स हैं, स्क्रैचेस और ग्रेजेस, ठीक है। स्क्रैचेस जो होती हैं वो शार्प या क्रीसेंट शेप होती है, यानी शार्प वेपन की वजह से होती है और क्रीसेंट शेप्ड होती है। ग्रेजेस को और जो है वो रफ वेपन की वजह से होती हैं और रफ वोंड की वजह से होती हैं, और इसमें इसको स्क्रैप भी बोलते हैं, और ये मोस्ट कॉमन है, स्क्रैप मोस्ट कॉमन है। और इसका जो जो मार्जिन होता है वो ब्रश बर्न होता है, यहाँ पे ये मेंशन है।
तो हमने यहाँ पे अब्रिजन की भी टाइप्स कवर कर ली हैं। अब एज ऑफ अब्रिजन जिसमें एमसीक्यू पूछा जाता है उसको याद करने का आसान तरीका ये है कि हमने इसकी अकॉर्डिंग टू द हीलिंग चेक करनी, और ये हमारी आंखों के आगे होता है। हमने काफ़ी दफ़ा खुद भी अपनी लाइफ में ये बर्दाश्त किया होगा, तो इस वजह से हम पहले देखते हैं कि फ्रेश है तो रेड कलर है, 24 आवर्स के बाद स्कैब फॉर्मेशन है। स्कैब क्या होती है? इंजर्ड एपिथीलियम, ड्राइड ब्लड और सीरम और लिम्फ वगैरह की कलेक्शन हो जाती है, जो कि जख्म के ऊपर रेड फॉर्मेशन की स्कैब फॉर्मेशन की सूरत में हमें होती है। और मैनी ए टाइम्स पेशेंट जो होते हैं या नॉर्मल ह्यूमन बींग्स इसको खुद अपने हाथ से छील भी देते होते हैं, ये वही स्कैब फॉर्मेशन है। रेडिश ब्राउन होती है जो कि उसके बाद अगर वो छीले ना तो खुद ब खुद शेडिंग हो जाती है 1 वीक के अंदर अंदर, और कम्प्लीट हीलिंग होती है 2 हफ्तों के अंदर। सो ये भी 2 हफ्तों में कवर हो गया और ब्रूज भी 2 हफ्तों में कवर हुआ था। आगे लेसिरेशन है जिसमें फर्स्ट एमसीक्यू है कि इसके मार्जिन इरेगुलर होते हैं क्योंकि ये ज़्यादा सीवियर फॉर्म है वोल्ड की, और इसमें सबक्यूटेनियस टिश्यू भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, और ये सेकेंडरी इंटेंशन से हील होती है। ये इंटेंशन प्राइमरी और सेकेंडरी पैथोलॉजी के क्वेश्चंस हैं तो उसी में कवर हो जाएंगे। अब पहले इसमें अब टाइप्स हैं जो कि एससीक्यू में पूछे गए हैं, यहाँ पे एरो नहीं मेंशन लेकिन ये एससीक्यू का पार्ट है, सॉरी फॉर दिस। टाइप में इसको याद करने का तरीका ये है कि हमने इनकी डिवीजन कर लेनी अपने तरीके से, स्प्लिट, टीरिंग और कट, ये तीनों एक जैसे वर्ड्स हैं तो एक तरफ हो जाएंगे, और बाकी जो है एक कंप्रेशन और एक स्ट्रेचिंग है, ये दोनों ऑपोजिट है, कंप्रेशन और स्ट्रेचिंग। कंप्रेशन में ग्राइंडिंग कंप्रेशन है और स्ट्रेचिंग में ओवर स्ट्रेचिंग आ जाएगी। तो ये स्प्लिट लेसिरेशन जो है ये अगेन लेसिरेशन की ये जो टाइप्स यहाँ पे मेंशन है ये माइल्ड टू सीवियर फॉर्म में जाती हैं। तो स्प्लिट में जस्ट टू हार्ड ऑब्जेक्ट्स के दरमियान सडन इम्प्रेशन पड़ता है या कंप्रेशन पड़ती है, उस वजह से ये स्प्लिट हो जाती है। यहाँ पे कुछ टाइप्स लिखी हुई हैं। ग्राइंडिंग में क्या होता है? कंप्रेशन में लोकलाइज्ड प्रेशर पड़ता है, कोई हैवी वेट आके बजता है जिसकी वजह से ग्राइंडिंग कंप्रेशन होती है, ग्राइंड हो जाती है बॉडी वहाँ से, बॉडी पार्ट। तो इसमें ही हमें मक्खियाँ या फ्लाइंग नजर आती है, ये फ्लाइज यहाँ पे आना था, सॉरी। सो यहाँ पे ये एमसीक्यू पूछा गया। इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं तो हमारे पास ओवर स्ट्रेचिंग है नेक्स्ट टाइप। इसमें पुल या पुश इंपैक्ट पड़ता है हमारा, टिजेंशियल इंपैक्ट होता है जिसको बोलते हैं उसमें। इसके बाद टेयरिंग है जो कि उससे ज़्यादा हार्ड फॉर्म है या सीवियर फॉर्म है जिसमें पेनिट्रेशन हो जाती है वोंड की। कट लेसिरेशन में बॉडी जो है वो 2 हिस्सों में कट हो जाती है, बॉडी पार्ट यहाँ पे ये वोंड होता है, ये चोप पर यह हैचेट से जो वो जो हमला किया जाता है उसमें कट लेसरेशन लगती है। बाकी चीज़ें जस्ट फॉर द नॉलेज पढ़नी है तो दैट्स ओके, नहीं तो स्किप की जा सकती है। इंसाइज्ड वुंड पे चलते हैं। इंसाइज्ड वुंड पे जो एसिक्यू आया है वो इसका डिफरेंस आया है लेसिलेटेड वुंड से, और इसी की यहाँ से कॉन्ट्रास्टिंग फीचर से हम सब कुछ कवर कर लेंगे इंसाइज्ड वुंड का, और लेसिरेटेड वोंड की भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर लेंगे। इंसाइज्ड वोंड ज़्यादा सीवियर फॉर्म है लेसिरेटेड वोंड का, इसी तरीके से हम इसकी डिवीजन करेंगे और कंट्रास्टिंग फीचर्स पढ़ेंगे। सो हमें फीचर्स पहले याद करने हैं, तो फीचर्स में पहले तो कॉमन फीचर्स जो नॉर्मली हम देखते हैं या देखने को मिलते हैं, जो शेप, मार्जिन, एंगल, वॉल्स वगैरह आती हैं, ये कॉमन है, इस वजह से इसको कोई निमोनिक या कोई स्पेशल सीक्वेंस बनाने की जरूरत नहीं है। शेप, मार्जिन, एंगल्स और वॉल्स ये हम खुद से लिख सकते हैं, और सारे इंसाइज्ड वुंड में ज्यादा रेगुलर, ज्यादा शार्प, ज्यादा स्वीयर फॉर्म में होंगे, तो ये हम खुद से लिखेंगे, ठीक है। आगे जो है हेयर और हेयर बल्ब आ जाएंगे, ये दो जो है एमसीक्यू में पूछे गए हैं और ये इंपॉर्टेंट भी हैं। और इंसाइज्ड वुंड में हेयर और हेयर बल्ब कट हो जाते हैं दोनों, लेकिन जो लेसिडेटेड वुंड है उसमें पुश होते हैं या क्रश होते हैं। इसके बाद आते हैं क्लोथ्स और एरिया अराउंड द वोंड, ये दोनों सेम तरह के पॉइंट्स हैं तो हम लिख सकते हैं। एरिया अराउंड द वोंड जो है वो इंसाइज्ड में ब्रूज्ड नहीं होता लेकिन लेसिरेशन में ब्रूज्ड होता है। क्लोथ्स जो हैं वो उसको कट लगे होते हैं लेकिन लेसिरेटेड में इस तरह का कोई इफेक्ट नहीं नजर आता। सो मेन जो है वो शेप, मार्जिन, एंगल, वॉल्स और हेयर से हैं, बाकी फीचर्स हमारी मर्जी है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, तो एज ऑफ इंसाइज्ड वोंड जो है इसमें मेन जो पॉइंट है डेट इज ये प्राइमरी इंटेंशन से हील होता है, बाकी इसकी भी चीज़ें आलमोस्ट लेसिरेशन की तरह ही हैं, जैसे एज बन गया, रेड एजिस बन गया, स्कैब फॉर्मेशन है, फिर एपिथीलियल ग्रोथ होती है, एपिथीलाइजेशन और फिर स्कार टिश्यू बन जाता है, ये भी 2 हफ्ते में कंप्लीट हो जाता है।
इसके बाद आ जाते हैं सुसाइडल और इन्फ्लिक्टेड वोंड्स, और इस पे एमसीक्यू है कि ये टेंटेटिव वोंड्स होते हैं, और इस पे एसीक्यू ये है कि इसके फीचर्स बताएं, और इसके भी फीचर्स अंडरस्टूड हैं, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से हम लिख सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है, हमने कुछ फीचर्स कंबाइन कर लेने हैं। फर्स्ट फीचर साइट है, और जो यहाँ पर एट्थ फीचर है डायरेक्शन, ये दोनों साइट एंड डायरेक्शन हम कंबाइन करेंगे। साइट फ्रंट ऑफ साइज, फ्रंट ऑफ रिस्ट नेक, क्योंकि आगे को, क्योंकि सुसाइडल है तो इसी वजह से आगे अपनी जहाँ पे उस आसानी से कट लगा सकता है बंदा, वहीं पे हम नजर आएंगे। डायरेक्शन भी इसी तरह कि राइट हैंडेड का पर्सन है तो उसका राइट टू लेफ्ट जाएगा, लेफ्ट हैंडेड है तो लेफ्ट टू राइट जाएगा। यहाँ पे राइट टू लेफ्ट आना था, यहाँ पे ये मिस्टेक है, इसे ठीक कर लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ, मल्टीपल सुपरफिशियल पैरेलल, ये सारे के सारे कॉमन है, मल्टीपल सब में एल आर है, मल्टीपल सुपरफिशियल एंड पैरेलल। सो जो सिनेरियो बनता है सुसाइडल का और सेल्फ इन्फ्लिक्टेड का, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट टेंटेटिव कट होता है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मल्टीपल वुंड होता है, मल्टीपल कट्स होते हैं, तो हम यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो बनेंगे पॉइंट्स वो बनेंगे कट के ऊपर, यानी कि सुपर इम्पोज्ड है तो इसका मतलब है कि ऊपर ऊपर ही कट लगा है, आर्टरीज कट नहीं होती और टेंटेटिव कट्स होते हैं, ये तीनों पॉइंट्स सेम एक ही तरीके से हम कंबाइन करके कर सकते हैं। बाकी चीज़ें अगेन हमारे ऊपर है, डिफेंसिव वोंड्स नज़र नहीं आते, अगर ये याद रहती तो ठीक है, अगर नहीं भी रहती तो प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आर्ट कर लिए कवर। बाकी चीज़ें अगर कोई अपने से लिखना चाहता है तो वो ऐड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम पेनिट्रेटिंग वोंड्स, और इसमें जस्ट मैक्सिमम जो चीज़ पूछी गई वो एमसीक्यूज ही पूछे गए हैं, और इसमें स्टैब वोंड, पंक्चर्ड वोंड, परफोरेटेड वोंड, ये तीन इसकी टाइप्स हैं, और स्टैब वोंड के बारे में पूछा गया कि इसकी मैक्सिमम डेप्थ होती है बाकियों के निस्बत, स्टैब वोंड, पंक्चर्ड वोंड एंड परफोरेटेड वोंड। नेक्स्ट चलते हैं, ओके हियर वी हैव इम्पोर्टेंट ब्लंट ट्रोमा टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे इंजरीज हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाएगा कंकशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ट्रोमेटिक स्पायरेंगोमेलिया, ये आया नहीं है कोई भी एमसीक्यू या एसीक्यू में, तो ये इसको स्किप करेंगे, और अगर ये लिखना भी हुआ तो हम खुद से लिख सकते हैं। अलबत्ता जैक नाइफ इंजरीज, व्हिप्लैश इंजरीज बार बार पूछी भी गई हैं और अच्छे से करने ज़रूरी भी हैं। जैक नाइफ इंजरीज जब एक मोटर व्हीकल पे, ये दोनों इंजरीज हम मोटर व्हीकल पे ही रख के करेंगे कवर, क्योंकि उसी से ये समझ आएगी। एक और ये ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट्स में भी बहुत कॉमन इंजरीज है, होता ये है कि जैक नाइफ इंजरीज में पीछे से कोई एक्सीडेंट होता है, एक गाड़ी में एक बंदा बैठा हुआ और पीछे से कोई गाड़ी या कोई और व्हीकल आके उसे जब बजता है, तो उस वजह से उसकी नेक की हाइपर एक्सटेंशन होती है, हाइपर एक्सटेंशन, दिस वन बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ हेड, क्योंकि पीछे सीट से उसकी नेक सपोर्ट होती है लेकिन जो हेड होता है वो सपोर्ट नहीं होता है, तो इस वजह से एक सडन टॉर्शन बनता है जिसको हाइपर एक्सटेंशन या बैकवर्ड मूवमेंट भी कहते हैं, इसको बोलते हैं जैक नाइफ इंजरी। व्हिप्लैश जो है वो ज़्यादा सीवियर फॉर्म है जैक नाइफ इंजरी की, और इसमें हाइपर एक्सटेंशन भी होती है, उसके बाद हाइपर फ्लेक्शन भी होती है, और होता ये है कि ये मोस्टली नेक्स्ट आने, ये पीछे से अगर कोई ये याद करने का तरीका ये है कि आगे से कोई चीज़ अगर बचती है तो उसमें ये होगा कि पहले हाइपर एक्सटेंशन होगी नेक की, और जैसी ब्रेक सप्लाई की जाएंगी तो अचानक नेक आगे जाएगी, जिसे हाइपर एक्सफ्लेक्शन कहते हैं, और ये C4 से C6 लेवल के ऊपर डिसलोकेशन होती है हाइपर एक्सटेंशन हाइपर फ्लेक्शन की वजह से, और इसको बोलते हैं व्हिप्लैश इंजरीज, और इसको एक्सीलरेशन डेसीलरेशन सिंड्रोम भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंजरीज ऑन द स्कल आ जाएंगी या हैंड इंजरीज आ जाएंगी, जिसमें तीन इंजरीज हैं, स्कैल्प, स्कल और ब्रेन इंजरीज। इसमें से जो एमसीक्यूज पूछे गए हैं स्कल इंजरीज में पूछे गए हैं, फ्रैक्चर ऑफ द वॉल्ट ऑफ द स्कल, फीचर्ड फ्रैक्चर, डिप्रेस्ड कमिटेड फ्रैक्चर, पोन्स फ्रैक्चर, और कमिटेड डिप्रेस्ड फ्रैक्चर में ALA सिग्नेचर बनता है, और पोन्स फ्रैक्चर का दूसरा नाम डायस्टेटिक फ्रैक्चर भी होता है, गटर फ्रैक्चर जो है वो बुलेट, वो
बुलेट वोंड की वजह से मेनली हमें नजर आता है, ग्लांसिंग बुलेट वोंड की वजह से। ये सारे के सारे एमसीक्यूज हैं। ओके, रिंग फ्रैक्चर जो है वो फोरामेन मैग्नम के अराउंड बनता है, ये एमसीक्यू है। और बेस फ्रैक्चर जो है वो मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स में मोस्ट कॉमन है। ओके, यहाँ पे जो ऐसी क्यों है जो इसमें से आएगा और आता भी है, डेट इज कूफ एंड क्वार्टर कूफ इंजरीज। और इसमें होता ये है कि जो हमारा ब्रेन है उसके एक पार्ट के ऊपर, एक क्रेनियल वॉल्ट के ऊपर या एक हिस्से के ऊपर जब इंजरी होती है तो उसका इम्पैक्ट डायगनली उसके ऑपोजिट साइड पे भी होता है। और जहाँ पे फर्स्ट इम्पैक्ट इंजरी होगी उसको कूप बोलेंगे, और उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसके डायगनली ऑपोजिट साइड पर उसको काउंटर कूप इंजरी बोलेंगे। और इसके दोनों कूप और काउंटर कूप इंजरीज जो होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ हेड इंजरीज में कंसिडर होती हैं, बाकी नहीं होती। और इसके और इनके लिए ज़रूरी है कि डायगनली या ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट हों एरियाज। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर एक वोन पड़ता है, यहाँ पे अगर एक इंजरी होती है तो इसको कूप कहेंगे, और इसका इम्पैक्ट जो ऑपोजिट साइड है इसकी फ्रंटल की ऑपोजिट साइड ऑक्सीपिटल आती है पार्ट या लोब, तो वहां पे इसका दूसरा इम्पैक्ट पड़ेगा जिसको हम काउंटर कूप कहेंगे। और ज्यादा खतरनाक काउंटर कूप होती है क्योंकि यहाँ पे जो गायराई होते हैं ब्रेन का, जो स्पाइनल मेनिंजेस होती हैं उसमें गायरस जो होते हैं उसकी डिकैपिटेशन हो जाती है, उनकी कैप उतर जाती है, जिसको होलो टूथ गायरस भी कहते हैं। यहाँ पे ये मेंशन है होलो टूथ गायरस कहते हैं। सो ये था कूप, काउंटर कूप इंजरी। नेक्स्ट जो है वो इंट्रा क्रेनियल हेमरेजेज है, इसमें एमसीक्यूज हैं। एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज जो है ये जस्ट ट्रोमेटिक होता है ट्रोमा के दौरान, और इसमें ल्यूसिड इंटरवल एग्जिस्ट करता है। ल्यूसिड इंटरवल रिकवरी टाइम पीरियड को बोलते हैं, जिसमें किसी एक्सीडेंट के बाद एक अचानक से पेशेंट जो है वो काफी हद तक रिकवर कर जाता है। इसके बाद सब ड्यूरल हेमरेज जो है वो इन्फेंट्स में कॉमन है, सब एरेक्नॉइड हेमरेज क्रॉनिक अल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन पेशेंट्स में कॉमन होते हैं, बाकी लास्ट में इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज है। इसको वैसे याद कर लें, इस पर कोई एमसीक्यू नहीं। नेक्स्ट, यहाँ पे रिलेशनशिप ऑफ ट्रोमा टू डिजीज है, इसमें से एक ही एमसीक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज इविंग्स पास पोस्टुलेट, जो हम आगे कवर करेंगे। बाकी इसमें काफी ज्यादा ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो कि बाकी सब्जेक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एयर एम्बुलिज्म है, पल्मोनरी एम्बुलिज्म है, ये पैथोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम, ये बिहेवियरल साइंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आ जाता है इविंग्स पोस्टुलेट, तो इसको हम कवर करते हैं। इविंग्स पोस्टुलेट रिलेशनशिप ऑफ ट्रॉमा एंड ट्यूमर इसको बोलते हैं, और इसके लिए कुछ कंडीशंस जो हैं वो होना जरूरी है। वो कौन सी हैं वो याद करने का आसान तरीका ये है कि हम एक सीक्वेंस बनाएं। इसमें पहला सीक्वेंस में साइट, डिग्री, टाइम, प्रोसेस, ये चार पॉइंट्स जो हम एक ही साथ कवर करेंगे। साइट, डिग्री, टाइम एंड प्रोसेस। साइट जो है वो ट्यूमर की, वो इंजरी के साथ कोइंसाइड करनी चाहिए, सिंक्रोनाइज करनी चाहिए, क्योंकि दोनों का रिलेशन हम कर रहे हैं तो साइट मैच करनी चाहिए। इसके बाद जो डिग्री है ट्रोमा की वो सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, अच्छा ट्रोमा होना चाहिए, तभी हम ये पोस्टुलेट्स एंटर लगा सकते हैं। इसके बाद जो है टाइम, जो है टाइम इंटरवल वो भी सिग्निफिकेंट होना चाहिए, प्रोसेस जो है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। बाकी जो दो पॉइंट्स रह जाते हैं पीछे वो बनते हैं पार्ट्स इन्वॉल्व बिफोर इंजरी, जो कि नॉर्मल होने चाहिए, जो कि इंजरी के लिए पार्ट्स हैं जहाँ पे इंजरी होगी। ट्रोमा की बात नहीं कर रहे, सॉरी ट्यूमर की बात नहीं कर रहे, ट्रोमा की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ट्रोमा में, ट्रोमा जहाँ पे होगा वहाँ वो वाले पार्ट जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन जो ट्रोमा ट्यूमर है ट्यूमर वाला पार्ट पहले से ही इंजर्ड होना चाहिए, यानी कि पहले से ही उसमें वो ट्यूमर होना चाहिए पहले। सो होता ये है कि इसको आसान अल्फाज में बताने की कोशिश करता हूँ कि जब एक
ट्रॉमा होता है, तो उसमें एक डॉक्टर्स जो हैं वो एक चीज़ की वजह से परेशान होते हैं, डैट इज़ अबाउट ट्यूमर। अगर उस पेशेंट में पहले से कोई ट्यूमर है तो उस वजह से जो ट्रोमा होता है उस पार्ट का, बॉडी पार्ट का हिस्सा जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, मेडिकली ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है पार्ट, उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से कवर करना होता है। इस इन बेसिस के ऊपर पेशेंट डॉक्टर्स जो हैं वो फिर फैसला करते हैं, जिनको इविंग्स पोस्टुलेट कहते हैं। यहाँ पे वो सारे सिचुएशंस मेंशन हैं। ओके कोच, पोस्टुलेट पैथोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास नहीं आया तो उसमें कवर करेंगे। बेटर बेबी सिंड्रोम जैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको जनरली हम कवर कर लेते हैं। इसमें ये होता है कि इसको कैफी सिंड्रोम भी कहते हैं, अमेरिकन रेडियोलॉजिस्ट 1949 में ये डिस्कवर हुआ था, यानी कि फर्स्ट टाइम ये नाम रखा गया था। इसमें बेबी के सडन शेकन सिंड्रोम भी बोलते हैं, इसमें बेबी को बहुत ज़्यादा शेक किया जाता है, जो कि मोस्टली उनके पेरेंट्स की तरफ से या उनके क्लोज रिलेटिव्स की तरफ से होता है, और ये अनइंटेंशनली ब्रेन बेबी डेथ हो जाती है। इसमें बाकी चीज़ें इसमें मेंशन है, आराम से स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ फायरआर्म इंजरीज हैं। फायरआर्म इंजरीज में जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो लिखी गई हैं, लेकिन इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, इसमें से ज़्यादा सिनेरियोज बनते हैं क्वेश्चन में। सो फर्स्ट एमसीक्यू है इसमें ब्लैक पाउडर, गन पाउडर के ऊपर। तो उसकी दो टाइप्स हैं, ब्लैक पाउडर एंड स्मोकलेस पाउडर। ब्लैक पाउडर जो है, इनको याद करने का आसान तरीका ये है कि अगर हमने गेमिंग से ताल्लुक रखते हैं, हम में से अगर नहीं भी रखते तो मोस्टली लोगों को ये पता होगा कि नाइट्रो यूज़ किया जाता है एज ए बूस्ट डिफरेंट गेम्स में, डिफरेंट जगहों के ऊपर। तो उस नाइट्रो को गन पाउडर में यूज़ किया जाता है, मेन बारूद का वो मवाद होता है, तो इसी वजह से हम इसको मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट में कंसिडर करते हैं। जैसे पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो 75% है, बाकी सल्फर है, चारकोल है जो कि 15% है, जो कि हम याद कर सकते हैं इजीली। लेकिन मेजर जो है पोटेशियम नाइट्रेट है, जिसको साल्ट पीटर भी बोलते हैं, 75%। बाकी स्मोकलेस जो है इसमें भी नाइट्रो मेन है, नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोसेलुलोज, तो इसी तरह से हम इसको याद करेंगे। इसके अलावा गन बॉम्ब जो होते हैं, टीएनटी जो होते हैं, उसमें भी जो बारूद यूज़ होता है उसमें मेजर साल्ट पीटर या नाइट्रो या नाइट्रेट यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कार्ट्रिज और शॉटगन के ऊपर कुछ ऐसी एमसीक्यूज हैं, जैसे पैलेट्स अगर हमने इंजरी में देखनी है तो उसके लिए डिस्टेंस होना चाहिए 200 सेंटीमीटर, इसके बाद ये नज़र नहीं आती। कार्ट्रिज की जो टाइप्स हैं जो एमसीक्यू में पूछी गई हैं वो हैं एफजी, एफएफजी, ट्रिपल एफजी। इसके अलावा वेज जो यूज़ होता है, इसके दरमियान जो मटेरियल है जो कि वुडन मटेरियल होता है या गत्ते का मटेरियल होता है, इसकी वजह से फैटल इंजरी होती है, ये एमसीक्यू में पूछा गया। ओके नेक्स्ट वन इज एक्सटीरियर बैलिस्टिक्स जो है, इसके ऊपर है एमसीक्यू की। इसमें एक पाथ ऑफ बुलेट है, पाथ ऑफ बुलेट जो है वो हम डिफरेंट तरीकों से मेजर करते हैं, जैसे कि टेल वैग से, ट्रिजेक्टरी से, यॉ ऑफ द बुलेट से और टम्बलिंग ऑफ बुलेट से। तो इसमें से ये एमसीक्यू पूछा गया था कि टेल वैग से हम क्या चीज़ मेजर करते हैं, दैट इज पाथ ऑफ बुलेट और डायरेक्शन ऑफ बुलेट। ओके नेक्स्ट वन इफेक्टिव रेंजेस हैं, शॉटगन की इफेक्टिव रेंज एमसीक्यू में पूछी गई है, डैट इज़ लेस देन 50 yards, शॉर्ट बैरल राइफल्स की 100 से 150 yards हैं और लॉन्ग राइफल्स की 600 से 800 yards तक आ जाएंगी। नेक्स्ट मूव करते हैं, तो असल जो क्वेश्चंस हैं हम उनकी तरफ जल्दी से जाना चाह रहे हैं, इस वजह से ये स्किप कर रहे हैं, क्योंकि इन पे सिनेरियोज आते हैं मेजर और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें वो कवर करते हैं। बिवेलिंग फिनोमिना ये होता है जिसमें स्टीप या इंक्लाइंड होल बनता है टू स्कल की टू टेबल्स के दरमियान, यानी कि टू लेयर्स हैं स्कल की उसके दरमियान, और ये एंट्री और एग्जिट इंजरी में या वोंड एंट्री वोंड और एग्जिट वोंड जो है उसमें भी हम पढ़ेंगे बिवेलिंग फिनोमिना को, वहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा मेजर, वहाँ पर ये कवर होगा। इसके अलावा जो एक टॉपिक है इसमें
मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन ऑफ फायर आर्म इंजरीज के बारे में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या हैं, प्रोसीजर क्या है, इसको यहाँ पे मतलब एसईक्यू या एमसीक्यू में नहीं पूछा जाता, इसको जनरल जो है वो सिनेरियो बनाकर पूछा जाता है। और मेजर जो क्वेश्चन इसमें से आता है वो आगे आने वाला है, तो हम उसको ही कवर करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे क्या एसईक्यू है, एमसीक्यू है, जो आता है कि ऑल वुंड्स शुड बी एग्जामिन्ड विद द लेंस ऑफ बर्निंग, ब्लैकविंग एंड टैटूइंग, बीबीटी बोलते हैं इन तीनों को, जो कि आईआर यानी इंफ्रारेड फोटोग्राफी से नजर आते हैं। इस फोटोग्राफी से हम इसकी एग्जामिनेशन करते हैं इन तीनों चीजों की, और इन्हीं की बेसिस के ऊपर थोड़े से और एमसीक्यूज हैं जो आगे हम कवर करते हैं। ओके, यहाँ से इंपॉर्टेंट एसईक्यू स्टार्ट हो जाते हैं वोंड टाइप्स के ऊपर, एंट्री वोंड ऑफ राइफल और एग्जिट वोंड ऑफ राइफल, इसके ऊपर कंपेरिजन आता है। एंट्री वोंड ऑफ राइफल या और जिसको कॉन्टैक्ट एंट्रीज भी कहते हैं, और इसका जो वोंड बनता है उसको बोलते हैं स्टिलेट वोंड। यहाँ पे सिनेरियो बनता है जिसमें ब्लैक स्पैटर, इसके अलावा ब्लो बैक फिनोमिना भी सिनेरियो में ये मेंशन किया जाता है, जिसे एंट्री वोंड के बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा नियर कॉन्टैक्ट एंट्रीज हैं, और नियर कॉन्टैक्ट एंट्रीज में सारी की सारी जो है बीबीटीज जो हमें अच्छे से नजर आते हैं। एंट्रीज अब थोड़ा सा डिस्टेंस आने लग जाएगा 2 से 6 इंचेस तक, तो इसमें क्या होता है बेसिकली जो कार्बनेशियस मटेरियल है या हॉट गैसेस हैं उसका इफेक्ट अच्छा नजर आता है इस डिस्टेंस में। लेकिन जैसे ही 6 to 12 इंचेस तक जाते हैं तो वो जो हॉट इफेक्ट्स या हीट इफेक्ट्स थे वो डिसअपीयर होने लग जाते हैं, जबकि 18 इंचेस तक वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं, हीट इफेक्ट्स यानी कि बीबीटी जो होते हैं वो सारे के सारे कवर हो जाते हैं, वो नहीं नजर आते इसमें। नेक्स्ट चलते हैं अपने असल क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे एक और एमसीक्यू आ गया है, डेट इज नाइट्रेट एंड नाइट्रेट टेस्ट, जो कि एग्जामिनेशन ऑफ रेजिड्यू शूटर की एग्जामिनेशन अगर हमने करनी है तो उसके लिए एक टेस्ट है जो कि नाइट्रेट और नाइट्राइट टेस्ट कहलाता है। जिस तरह मैंने पहले बताया था कि ये बारूद में शामिल होता है, इस वजह से इसका नाम रखा गया। बाकी एनालिसिस करते हैं, मेटेलिक एलिमेंट्स की स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। ओके, हेयर कम्स ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेट इज एंट्री वोंड और एग्जिट वोंड के दरमियान डिफरेंस, और इसी में पूरा चैप्टर समा जाता है। इसके अंदर मेजर टर्म्स टर्मिनोलॉजी भी हम कवर कर लेंगे, इसके अलावा एक बहुत बड़ा एसईक्यू भी कवर हो जाएगा, और इसके अलावा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी कवर हो जाएंगे। सो इसको याद करने का तरीका ये है कि जो मेजर टर्मिनोलॉजीज हैं हम उनको स्पेशल टर्मिनोलॉजीज को सेपरेट करते हैं और बाकी चीज़ों को एक साइड पे करते हैं। तो पहले हम बाकी चीज़ें जो कि नॉर्मल या कॉमन टर्म्स हैं उनको देखते हैं, जैसे साइज है, एजिज है, क्लोथिंग है, और इसके अलावा ब्लीडिंग है, इसको हम पहले कवर करते हैं। साइज जो है एंट्री वोंड का अंडरस्टूड है, कॉमन सेंस की बात है, वो स्मॉल होगा, और एग्जिट वोंड का लार्ज होगा। रीजन क्या है एग्जिट वोंड के लार्ज होने की, इनस्टेबिलिटी या लूज ऑफ स्टेबिलिटी होती है इस वजह से। इसके अलावा साइज से ही हमने दूसरा पॉइंट निकालना है, एजिस सोचना है। एजिस जो होते हैं एंट्री वोंड के वो इन्वर्टेड होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है फैट पीपल जिसमें इवर्ट हो सकते हैं, लेकिन एग्जिट वोंड में जस्ट इवर्टेड एजिस मिलते हैं। इसके अलावा क्लोथ है, एजिस से ही हमने क्लोथिंग का अगला पॉइंट निकालना है, वो जो कि टर्नड इन यानी कि इन्वर्टेड होते हैं जैसे एजिस थे, और जो क्लोथिंग है एग्जिट वोंड में वो टर्नड आउट यानी इवर्टेड होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ब्लीडिंग, तो इसमें ब्लीडिंग जो है वो एंट्री वोंड में थोड़ी होती है, क्योंकि सारे स्ट्रक्चर्स अंदर की तरफ चले जाते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग होती है इसमें, बाहर नहीं होती। तो एग्जिट वोंड में बाहर की तरफ स्ट्रक्चर्स प्रोट्रूड करते हैं, इस वजह से ब्लीडिंग प्रोफ्यूज होती है। सो ये थी टोटल 4 कॉमन टर्म्स। अब हम स्पेशल टर्मिनोलॉजी पे चलते हैं। बिवेलिंग जो हमने पहले देखा था, इसमें ये होता है कि जब बुलेट एंटर होती है बॉडी में या मेजर स्कल में, तो उस वक्त वो किसी एंगल से एंटर होती है, अगर किसी एंगल से चली हुई है, ठीक है, तो उसका एंगल जो है वो एंट्री वोंड में नजर आता है, जो कि इंटरनल होता है एंट्री वोंड में, जबकि जो एग्जिट वोंड है उसमें जो एंगल बनता है बिवेलिंग का वो एक्सटर्नल बनता है, बाहर की तरफ वो एंगल बनता है। आगे जो है एब्रीजन एंड ग्रीस कॉलर, जो कि स्पेशल टर्म है,
वो क्या इसमें प्रेजेंट होगी जबकि एग्जिट वोन में नहीं होगी। एब्रेशन एंड ग्रीज कॉलर, ग्रीज जो वेपन है उसकी अंदर जो बारूद है मटेरियल है उसकी वजह से ग्रीस बनती है, उसको ग्रीस कॉलर कॉलर कहते हैं वुंड के इर्द गिर्द। इसके बाद बीबीटी है यानी बर्निंग ब्लैकनिंग एंड टैटूइंग प्रेजेंट होगी एंट्री में और एग्जिट में एबसेंट होगी। बाकी जो है लेड रिंग, बीबीटी से ही हमने याद रखनी है, वो क्या होती है अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिकली चेक करेंगे लेड रिंग बनेगी एंट्री वाउंड में जबकि इसमें नहीं होती। बाकी ट्रैक को अगर हम चेक करेंगे लेड रिंग से रिलेटेड है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नजर आएगा या पिंक कलर हम ब्राइट पिंक नजर आएगा वाउंड, जबकि एग्जिट वाउंड हमें इस तरह का नजर नहीं आता। सो इस तरह हम इसकी टोटल पॉइंट्स कवर करेंगे, चार इसमें कॉमन थे और टोटल चार या पांच जो है वो स्पेशल टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमने कवर कर ली है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो पूछी गई हैं वही हम कवर करेंगे। जैसे टैंडम बुलेट है, इस बुलेट को बोलते हैं जो किसी वजह से गन पॉइंट में रास्ते में फंस जाती है गन के अंदर ही, तो इस उसी दौरान दूसरी बुलेट चल जाती है या एट ए टाइम दो बुलेट्स चला देते हैं हम, तो उससे ये होता है कि पिछली वाली बुलेट जो है वो थोड़ी सी अगली वाली बुलेट के अंदर धंस जाती है। इस फिनोमिना को, इस बुलेट को हम बोलेंगे टैंडम बुलेट। अगली वाली बुलेट को, पीछे वाली बुलेट को हम पिगी बैक बुलेट बोलेंगे। इसके अलावा डमडम बुलेट ऐसी होती है जिसके सेंटर में आगे वाली टिप के ऊपर छोटा सा होल होता है। इस होल को रखने का मकसद ये होता है कि ये ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करे, ज्यादा इंजरी क्रिएट करे, ज्यादा फैटल हो जाए। बाकी चीजें इसमें इंफॉर्मेटिव है, तो जिसको शौक है वो खुद ही पढ़ सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं। एक्सप्लोसिव्स में हम इसमें जो डायनामाइट की कंपोजिशन है उसके ऊपर बात करते हैं। उसमें से एक ऐसी क्यू एमसीक्यू आया हुआ है, इसमें सार डस्ट होता है, प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, ब्लास्टिंग कैप होती है, इलेक्ट्रिकल केबल होती है, जो कि हमें नॉर्मली पता ही है, डायनामाइट हमने देखा होगा। तो ब्लास्टिंग कैप जो है इसमें अमोनियम नाइट्रेट या साल्टपीटर, अगेन अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रेट है जो मैंने पहले बताया, तो साल्टपीटर यानी पोटेशियम नाइट्रेट है ये, जो कि 75% ब्लैक पाउडर का हिस्सा बना रहे थे वो ही इसी में यूज हुई है और इसी पे एमसीक्यू है। ओके, लास्ट पे जो डिटेक्शन होती है मेटल की वो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू की जाती है, इस पे एमसीक्यू। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट्स, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एसीक्यूज हैं जो हम कवर करते हैं जल्दी से। इसमें एक एसीक्यू है इंजरीज टू पेडिस्ट्रियंस, तो इंजरीज टू पेडिस्ट्रियंस पे सॉरी ब्लू मार्क नहीं हुआ हुआ, तो ये आई थिंक सेंड अप के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके ऊपर पास्ट पेपर्स में ऐसा सच नहीं पूछा गया, लेकिन इसमें से एमसीक्यू है जो आगे हम देखते हैं, तो इसको कवर करते हैं कंप्लीट। इंजरीज टू पेडिस्ट्रियन चार टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी इंपैक्ट इंजरी, सेकेंडरी इंपैक्ट इंजरी, सेकेंडरी इंजरी और टर्शरी इंजरी। प्राइमरी इंपैक्ट इंजरी उसको बोलते हैं जो कि डायरेक्ट इंपैक्ट से मिलती है, यानी कि एक एक्सीडेंट हुआ है, एक पेडिस्ट्रियन का व्हीकल किसी साथ टक्कर हुई है, तो जो व्हीकल की डायरेक्ट टक्कर की वजह से इंजरी होगी उसको प्राइमरी इंपैक्ट इंजरी बोलेंगे। इसके बाद चलते हैं इसी में एक यहाँ पे ऐसी क्यों आ गया, बम्पर फ्रैक्चर जिसको फेंडर फ्रैक्चर कहते हैं, और वो होता है इस बम्पर फ्रैक्चर या फेंडर फ्रैक्चर से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेजर कर सकते हैं जो कि ऐसी क्यों में पूछी गई है, वो ये कि अगर बम्पर फ्रैक्चर की हाइट या बम्पर फ्रैक्चर की वजह से जो इंजरी हुई है उसकी हाइट गाड़ी की जो बम्पर्स हैं उसकी हाइट से मैच कर जाती है, तो इसका मतलब होगा कि जो जो एक्सीडेंट हुआ है वो इंटेंशनल है, यानी जानबूझ के उसको मारा गया है और मर्डर है ये। इसके अलावा अगर बम्पर फ्रैक्चर थोड़ा सा नीचे हो, थोड़ा सा नीचे आ जाए और इंजरी थोड़ी सी ऊपर हो हाइट में, तो इसका मतलब होगा कि टक्कर लगने से पहले ड्राइवर ने ब्रेक सप्लाई की थी। इसका मतलब ये है कि ये अनइंटेंशनली एक्सीडेंट हुआ, मर्डर में ये कंसिडर नहीं किया जाता है। इस वजह से बम्पर फ्रैक्चर या फेंडर फ्रैक्चर फोरेंसिक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें पैटर्नड इंजरीज यानी ये पैटर्न बनता है जिसे हम ये मेजर करते हैं, यहाँ पे ये चीज मेंशनड है। इसके बाद सेकेंडरी इंपैक्ट इंजरी कहते हैं जब
टक्कर लग गया, उसके बाद वो पेडिस्ट्रियन किसी और चीज के साथ जाके बचता है, उस वजह से जो इंजरीज होती हैं उसको सेकेंडरी इंपैक्ट इंजरीज बोलते हैं। सेकेंडरी इंजरीज कहते हैं जो कि वहीकल के और इसके अलावा, सॉरी, सेकेंडरी इंपैक्ट इंजरीज भी वहीकल के किसी और पार्ट की वजह से होती हैं, जो सेकेंडरी इंजरीज हैं ये किसी और ऑब्जेक्ट की वजह से होती हैं, अदर साइड ऑफ व्हीकल या अदर पार्ट्स ऑफ द अदर देन व्हीकल पार्ट्स। तो टर्शरी इंजरीज कहते हैं कि टर्शरी सबसे ज्यादा खतरनाक है, ये अदर ये किसी और व्हीकल की वजह से होती हैं, या इसको रन ओवर इंजरीज भी कहते हैं। होता ये है कि जब फर्स्ट टक्कर लगी तो उसको प्राइमरी इंपैक्ट कह दिया, उस टक्कर के दौरान गाड़ी की कुछ और पार्ट की साथ में इंपेक्शन हुई है तो उसको सेकेंडरी इंपैक्ट इंजरी कह दिया, उसके बाद वो बंदा गिर गया और गिरने की वजह से रोड पे जो चीजें पड़ी हैं उसकी वजह से इंजरीज हुई हैं जिसको सेकेंडरी इंजरीज कह दी, अब उसके ऊपर से एक और गाड़ी गुजर गया रोड के ऊपर ही जिसको टर्शरी इंजरीज कहते हैं। इस तरह हम इसको कवर करेंगे। ओके, नेक्स्ट इधर क्वेश्चन है कोमिंगलिंग। कोमिंगलिंग क्या हमने एक और भी सेशन में कवर किया था, इसके ऊपर ऐसे ही आया हुआ है। इसमें ये होता ये है कि जो ब्लास्ट्स होते हैं उस या डिजास्टर्स होते हैं जिसमें मोर देन 12 पर्संस की डेथ होती है उसको ब्लास्ट कहते हैं और या डिजास्टर बोलते हैं, मैस डिजास्टर। उसमें जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं बॉडी के एक पर्सन के, उसकी कलेक्शन को कोमिंगलिंग बोला जाता है। आगे अगला चैप्टर आ गया हमारे पास थर्मल इंजरीज। थर्मल इंजरीज जो है इसमें कॉमन जो है वो बर्न्स हैं। बर्न्स की पहले 5 टाइप्स हैं, ये जनरल नॉलेज के लिए या एक फ्लो के लिए पहले बताई जा रही है, ऐसी भी एमसीक्यू के पार्ट नहीं है। जिसमें थर्मल बर्न्स हैं, माइक्रोवेव, केमिकल, रेडिएंट हैं और इलेक्ट्रिक बर्न्स हैं। इसमें थर्मल बर्न्स पे ही कुछ क्वेश्चंस हैं मेजर, ड्राई और वेट बर्न्स जिनको बोलते हैं। बाकी जो है इलेक्ट्रिक बर्न्स जो है उसकी उसके ऊपर या फिर उसके आगे लाइटनिंग है उसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, बाकी सारे जो है वो अनइम्पॉर्टेंट है। ओके, फर्स्ट वन है हमारे पास एमसीक्यू बर्न्स एंटीमार्टम और पोस्टमार्टम के ऊपर, और दोनों में पुजिलिस्टिक एटीट्यूड हमें देखने को मिलता है। पुजिलिस्टिक एटीट्यूड एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है जिसमें होता ये है कि जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, बॉडी में जो प्रोटीन है या मसल्स हैं, वो आफ्टर हीटिंग सख्त हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं। जस्ट लाइक एक अंडा जब फ्राई होता है तो वो लिक्विड से सेमी लिक्विड फॉर्म में चला जाता है, इसी तरह ये एटीट्यूड होता है, इसको बॉक्सर्स एटीट्यूड भी कहते हैं। ओके, यहाँ पे ऐसी क्यों है मेजर एंटीमार्टम बर्न और पोस्टमार्टम बर्न। अगेन इसको याद करने का, जो की हमने पीछे बनाई थी ब्रूज में एंटीमार्टम और पोस्टमार्टम की, उसी के थ्रू हम याद करेंगे। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि एंटीमार्टम जो है ये एक्टिव बर्न होगा, जो कि पोस्टमार्टम है ये इनएक्टिव या पैसिव बर्न होगा। तो इसमें जो मेजर हम देखेंगे पहले सीक्वेंस वाइज हम इसको याद करेंगे, वो है लाइन ऑफ रेडनेस। एक सीक्वेंस बनाएंगे पहले, जैसी बर्न होता है तो लाइन ऑफ रेडनेस होती है, तो उसमें प्रेजेंट होगी एक्टिव में ऑब्वियसली होगी। वेजिकल साइज, इसमें एल्बुमिनियस फ्लूइड और क्लोराइड होगी, ये ऐसी ये एमसीक्यू में पूछी गई है चीजें। इसके अलावा ये एसीक्यू में भी है। पोस्टमार्टम में जस्ट जो है वो एयर होगी और वो बड़ा होगा साइज में। इसके बाद आ जाएगी इन्फेक्शन, पहले रेडनेस हुई फिर वेजिकल्स बनी, वहां पे इन्फेक्शन हुई, इन्फेक्शन में पस और स्लगिंग होगी, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं ऐसा होगा। हीलिंग से पहले हम इन्फेक्शन से रिलेटेड बाकी पॉइंट्स कवर करते हैं, एक सीक्वेंस से हम मूव करें। तो इन्फेक्शन में इन्फ्लेमेटरी एरियोला अराउंड वेजिकल्स प्रेजेंट होगा, यस। उसके बाद एंजाइम्स जो कि इन्फेक्शन में बढ़ जाते हैं वो लिखने हमने, उसके बाद हमने कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लिखनी है जो कि एंजाइम से मिलता जुलता है, यस। इसके अलावा हमने अब हमने मूव करना है हीलिंग की तरफ। हीलिंग होगी, यस, पोस्टमार्टम एंटीमार्टम में होगी और पोस्टमार्टम में हीलिंग नहीं होगी। इसके बाद हमने हीलिंग के साथ ही नेक्स्ट पॉइंट करना है स्कैब फॉर्मेशन। हीलिंग के बाद जो होती है या हीलिंग से रिलेटेड है, ये प्रेजेंट है और एंटीमार्टम में पोस्टमार्टम में नहीं होती। बाकी जो पॉइंट्स रह गए हैं वो बनता है सूट इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ये प्रेजेंट होता है और जबकि एंटीमार्टम में नहीं होता ये।
ये था, और अदर पॉसिबल रीजंस एंड कॉज ऑफ डेथ, ये कॉमन सेंस है, ये पॉइंट्स आपने लिखने हैं तो ठीक है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं विल्सन्स क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री में जस्ट एपिडर्मिस की बर्निंग होती है, सेकंड डिग्री में डर्मिस भी इफेक्ट हो जाती है, और थर्ड डिग्री में सब थर्मिस डर्मिस के नीचे सारे स्ट्रक्चर्स जो हुए हैं वो इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट जो है वो रूल ऑफ नाइन है, ये सेंडअप के लिए एसईक्यूज हैं, ओवरऑल एमसीक्यूज ये प्रोफ में नहीं पूछे गए, इस वजह से इसको जल्दी से हम कवर करें। तो ये एक रूल ऑफ नाइन है जिसमें बॉडी के पार्ट्स को ना डिवाइड किया हुआ है, जिस तरह हेड को 9%, आर्म के एक पार्ट को 9%, दूसरे पार्ट को 9%, टोटल 18 हो गया। बैक और फ्रंट जो है उसको 18-18%, यानी कि 9-9 का प्लस किया हुआ है। इसके अलावा बैक और फ्रंट जो लेग्स हैं उसमें भी 18-18%, और जो पेरिनियल एरिया है उसको 1%। इन सबको प्लस कर दें तो हमारे पास 100% आ जाएगा। तो हमने अगर डिग्री ऑफ बर्न चेक करना हो तो इसको वेलेस रूल ऑफ नाइन बोलते हैं। तो इस परसेंटेज को हम मैन्युअली फाइंड कर सकते हैं या निकाल सकते हैं डिग्री ऑफ बर्न में। तो ये सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं चीज़ें, और इस तरह हम इसको कवर करेंगे। दैट इज पुजिलिस्टिक एटीट्यूड। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोक्यूशन। इलेक्ट्रोक्यूशन के ऊपर क्वेश्चन नहीं है, लाइटनिंग के ऊपर है जो कि इसका एक पार्ट है। लाइटनिंग की जो स्पेसिफिक पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं वो पूछी गई हैं, या मेडिकल लीगल या पोस्टमार्टम या ऑटोप्सी फाइंडिंग्स, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हमें देखने को मिलती हैं, वो क्या होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, हमने डिवाइड करनी है। इंटरनल इसमें नेगेटिव होती है टोटल, लेकिन कुछ बुक्स में लिखा हुआ है पैथोलॉजी के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सेरेब्रल आर्टरीज को की कॉन्ट्रैक्शन करवा रही होती हैं, तो उस वजह से जो इंटरनली हमें हार्ट भी जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड नज़र आता है, सिनकोप डेथ होती है इसमें, और अनीमिया भी होता है, और कुछ इस तरह की इंटरनल फाइंडिंग्स नज़र आती हैं जो कि वेरी करती हैं, इस वजह से नेगेटिव ओवरऑल कहा गया। लेकिन जो एक्सटर्नल है वो दो हैं मेजर, एक है लीनियर बर्न और एक इसका स्पेशल बर्न है जो कि जस्ट लाइटनिंग में हमें नजर आता है, जो कि कहलाता है आरबोरिसेंट बर्न्स, जो कि एक पैटर्न होता है बैक ऑफ द चेस्ट के ऊपर, बैक के ऊपर या चेस्ट के ऊपर। और इसके अलावा इसमें कुछ एडिशनल ब्रूजिंग, लेसरेशन, फ्रैक्चर ऑफ बोन्स भी हमें देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट है स्टारवेशन। इसके ऊपर एमसीक्यूज हैं कि विदाउट फूड एक ह्यूमन बीइंग कितनी देर तक जिंदा रह सकता है, डेट इज 50-60 days, और जबकि पानी के बगैर जो है वो जस्ट 10 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। आगे इसकी दो टाइप्स हैं, ड्राई टाइप और वेट टाइप, उसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं। इंटरनल साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट इसका साइन लूज ऑफ एडिपोज टिश्यू है, जो कि एमसीक्यू में पूछा हुआ है। बाकी एक्यूट स्टारवेशन में फीलिंग ऑफ इंटेंस हंगर जो है वो 36-48 hours तक रहती है, उसके बाद अचानक ख़त्म हो जाती है, फिर क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाती है स्टारवेशन। ये एमसीक्यू है। नेक्स्ट वन वॉयलेंस है। वॉयलेंस पे एज सच कोई एमसीक्यू ऐसे क्यों नहीं आया, तो इसको हम स्किप करते हैं। बाकी इसके जो हैं कुछ एमसीक्यूज हैं वो हमने मैकेनिकल इंजरीज में कवर कर लिए थे। एस्फिक्सिया लास्ट चैप्टर है इसका, और ये इसमें से भी मेजर क्वेश्चंस हैं जो हम जल्दी से देखते हैं। पहले टाइप ऑफ हाइपोक्सिया, एनोक्सिया है, वो टोटल 4 टाइप्स हैं, ये हमने फिजियोलॉजी में भी पढ़ी हुई है। एनोक्सिक हाइपोक्सिया, इसके अलावा एनीमिक हाइपोक्सिया, हिस्टोलॉजिक हाइपोक्सिया और हिस्टोटॉक्सिक एंड स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया। इस पे जो एमसीक्यूज है वो ये है कि एनोक्सिक हाइपोक्सिया को मैकेनिकल भी कहते हैं, एनीमिक जो है वो कार्बन मोनोक्साइड की वजह से होता है, स्टैग्नेंट एम्बोलिज्म में मेजर होता है। इसके अलावा सबसे पहला एसीक्यू जो इस चैप्टर में है वो आगे आएगा, उससे पहले हम साइनोसिस को देखते हैं। इस पे एक एमसीक्यू है कि साइनोसिस में हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाता है। नॉर्मल जो होता है मेल्स में वो 13.5 या 14 ग्राम पर डेसीलीटर होते हैं, और फीमेल्स में 11.5 या 12 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, लेकिन साइनोसिस में ये 6 से नीचे आ जाता है, और एमसीक्यू में था ये 5 ग्राम पर डेसीलीटर, जो कि करेक्ट ऑप्शन थी। नेक्स्ट चलते हैं, तो हमारे पास पेटिकल हेमरेज जो होते हैं
जो कि हमें इसमें एस्फिक्सिया में मिलते हैं, जो कि उनमें हमें ट्रिड्यू स्पॉट्स नज़र आते हैं, जो कि फ्रेंच पुलिस सर्जन ने के नेम पे हमने रखे थे, ट्रेड्यू उसका नाम था। और इसमें जो है अपर लोब्स ऑफ लंग इन्वॉल्व नहीं होते। ओके, हियर कम्स आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट एसईक्यू क्लासिफिकेशन ऑफ एस्फिक्सिया। तीन तरह की इसकी टाइप्स हैं, केमिकल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोजेनिक। मैकेनिकल जो है वो आगे फिर डिवाइड की गई है, और उसको हम किस तरह से याद करेंगे वो मैं इंशाल्लाह लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन आपको समझा कर कवर करूंगा। आगे केमिकल पहले देख लेते हैं। ये टॉक्सिक भी कहलाती है, इसमें हाइड्रोजन साइनाइड और कार्बन मोनोक्साइड मेजर केमिकल्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं। इलेक्ट्रोजेनिक जो है सर्जरी और एनेस्थेटिक एस्फिक्सिया भी कहलाती है। ओके, अब मैकेनिकल के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं इसकी क्लासिफिकेशन पे मेजर, तो हम इसकी साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन से ही इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले सफोकेशन है। सफोकेशन में जो हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक है शुरू करना है, सबसे पहले आते हैं नोज और माउथ, तो उसमें उसकी ऑब्स्ट्रक्शन को सफोकेशन कहते हैं। और ग्लोटिस है इसकी मेजर एक और टाइप है सफोकेशन की, जिसमें चोकिंग, जिसमें ग्लोटिस की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। बाकी एंट्रैपमेंट और गैगिंग जो है या स्मूथनिंग जो है, या एंट्रैपमेंट जो है ये इन्वायरमेंटल ब्लॉकेज हो जाती है नोज एंड माउथ की, और जबकि स्मूदरिंग जो है ये मैनुअल या कोई प्लास्टिक बैग के थ्रू या हाथ रख के नाक और मुंह सांस बंद कर दिया जाता है, उसको स्मूदरिंग या गैगिंग कहते हैं। उसके बाद चलते हैं स्ट्रेंगुलेशन में, लाइगेचर स्ट्रेंगुलेशन और मैनुअल स्ट्रेंगुलेशन। लाइगेचर में आगे दो टाइप्स हैं, हैंगिंग एंड कैरोटिंग, और इनमें कंपेरिजन भी पूछा गया। और इसकी इसमें जो है वो जो लेरिंग्स के लेवल के ऊपर है या ट्रेकिया से ऊपर लेवल है उसकी बेसिकली जो है ऑब्स्ट्रक्शन होती है, और जबकि मैनुअल में होता है ये अच्छा। लैगेचर स्ट्रेंगुलेचर्स में हैंगिंग और गैरेटिंग है। हैंगिंग तो नॉर्मली हमें पता है, लेकिन गैरेटिंग नया है इधर वर्ल्ड। तो ये बेसिकली एक स्पेनिश पनिशमेंट थी जो कि उनके ज्यूरिस प्रूडेंस में ये मेंशनड है। उसमें एक ये करते हैं कि मुजरिम को एक कुर्सी के ऊपर बिठाकर उसके गले के दरमियान में, गले के अराउंड एक तार बांधते हैं जिसको पीछे से मोड़ते जाते हैं, तो इस वजह से उसकी डेथ हो जाती है। इसको गैरेट कहते हैं इस चेयर और पूरे इंस्ट्रूमेंट को। और नॉर्मली रस्सी से बांध कर गले को या किसी कपड़े के साथ बांध कर गले को मारने को गैरोटिंग कहते हैं। इसके अलावा मैनुअल स्ट्रेंगुलेशन है, ये हाथ से गला दबाने को या अपने फोरआर्म से गला दबाने को कहते हैं, हाथ से दबाने को थ्रोटलिंग, और जबकि फोरआर्म बाजू से गला दबाने को मगिंग कहते हैं। ट्रोमेटिक एस्फिक्सिया के ऊपर MCQ आया हुआ है, रेलवे या रोड साइड एक्सीडेंट्स में होता है, और इसमें जो हमारे पास रेस्पिरेटरी मसल्स हैं उनकी ऑब्स्ट्रक्शन होती है, बेसिकली उनकी कवरेज की जाती है। नेक्स्ट वन है हमारे पास केमिकल एस्फिक्सिया, जो कि हमने कवर कर लिया। मैकेनिकल एस्फिक्सिया, ये हमने सारे ही चीज़ें इसके अंदर ही कवर कर ली हैं, सो अलग से कवर करने की ज़रूरत नहीं। ओके, स्मूदरिंग, ओके, एक फिनोमिना है बर्किंग, इसके ऊपर MCQ आया हुआ। बर्किंग एक मुजरिम का नाम था, विलियम बर्क और विलियम हेयर उसके नाम पर रखा गया, जो कि स्कॉटलैंड में था। होता ये था कि ये इनका एक तरीका था मारने का। ये मर्डरर्स जो थे क्या करते थे, जो भी विक्टम होता था अपना, दुश्मन जो भी इनके हाथ में आता था उसके ऊपर बैठकर, उसकी चेस्ट के ऊपर बैठते थे, और दूसरा जो था, दो बंदे होते थे, एक उसकी चेस्ट के ऊपर बैठता था और एक जो है उसकी मुंह के ऊपर बैठ जाता था। तो इससे क्या होता था, एक ट्रोमेटिक एस्फिक्सिया हो जाता था, चेस्ट की वजह से ऊपर बैठने की वजह से जो ऑब्स्ट्रक्शन होती थी रेस्पिरेटरी मसल्स की वो, और मुंह के ऊपर बैठने की वजह से सफोकेशन। तो इन दोनों की वजह से जो डेथ होती है ये कॉम्बिनेशन होता है इसमें, इसको बर्किंग बोलते हैं। कैफिक कोरोनरी जो है ये ये होता है, ये है कि जो हमारा खाना होता है वो अगर सांस की नाली में फंस जाए उसको कैफिक कोरोनरी कहते हैं, और ये मेजर जो है फैटल जस्ट इंटॉक्सिकेटेड इंडिविजुअल्स में होता है या अल्कोहलिक इंडिविजुअल्स में होता है। इसके ऊपर MCQ है।
स्ट्रैंगुलेशन भी हमने कवर कर ली है। आगे हैंगिंग है, हैंगिंग की टाइप्स पूछी गई हैं एमसीक्यू में, कंप्लीट और इनकम्प्लीट होती है। कंप्लीट होती है जिसमें फुट जो है वो फ्लोर से टच नहीं कर रहे थे, इनकम्प्लीट जिसमें फुट टच कर रहे थे, कोई और पोजिशन होती है। टिपिकल ये होती है कि जिसमें जो नॉट होती है वो बैक साइड ऑफ नेक के ऊपर बंधी होती है, पीछे से बांध के मारते हैं, हैंग करते हैं। और देखते हैं एटिपिकल, पीछे के अलावा जितनी भी और पोजीशंस या साइड्स होंगी उसको बोलेंगे। ओके, यहाँ पे दूसरे एमसीक्यूज आ जाते हैं। जुगुलर वेन्स मैक्सिमम प्रेशर जो है वो 4.4 पॉन्ड्स का बर्दाश्त कर सकती है, कैरोटिड जो है वो 11 का, और जब सबसे ज्यादा ट्रेकिया है 33 पॉन्ड्स का करता है। इसके बाद चलते हैं स्पेसिफिक पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स के ऊपर। तो जो हैंगिंग है उसकी स्पेसिफिक ये सारों की सेम है, लाइगेचर्स की तकरीबन सेम है, लेकिन कुछ इसमें डिफरेंसेस हैं, हम वो डिफरेंसेस करेंगे मेजर। लेकिन पहले हम सेम वाले सारे देख लेते हैं। तो पोस्टमार्टम लाइविडिटी होती है, या रिगर मोर्टिस जिसको बोलते हैं, हाइपोस्टेसिस बोलते हैं, तो पोस्टमार्टम लाइविडिटी होगी। इसके अलावा एक्सटर्नल लाइगेचर मार्क, ये हम तफसील से आगे पढ़ेंगे, इस वजह से इसको यहाँ पे कवर नहीं करें। इंजरीज ऑफ नेक टिश्यू, ये डिफर करती हैं डिफरेंट स्ट्रैंगुलेशन टाइप्स में। तो हैंगिंग में जो मेजर चीज टूटती है जिसकी वजह से डेथ होती है वो है हाइओइड बोन, जबकि नेक्स्ट वालों में ट्रेकिया होगी और उसके नेक्स्ट वाले में ट्रेकिया और हाइओइड दोनों की, तो ये डिफरेंस है मेजर। जुडिशियल हैंगिंग जो होती है इसमें बेसिकली स्पाइनल कोर्ड डैमेज हो जाती है, उसको बोलते हैं। ओके, इसमें दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो एमसीक्यू में पूछे गए हैं, डेट इज सलाइवा जो होता है वो एंटीमार्टम हैंगिंग में मुंह से निकलता है, और पिन पॉइंट हेमरेजेस हमें देखने को मिलते हैं। ओके, इधर हमें एक मेजर एमसीक्यू मिल गया है, डेट इज हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन में डिफरेंस। ये एज इट इज एसीक्यू पास्ट पेपर में आया हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से हैंगिंग और यहाँ पे गैरेटिंग ज्यादा बेहतर वर्ड था स्ट्रैंगुलेशन से, जो लिखना चाहिए था। अलबत्ता हम इसको ऐसे कवर करने की कोशिश करते हैं। तो इसको याद करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि जिस तरह इन्होंने की बनाए हुए, इन्होंने फीचर्स को तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया, लाइगेचर मार्क, लाइगेचर मार्क और अदर के लिहाज से। लाइगेचर देखते हैं और ये चीजें हम खुद से लिख सकते हैं जब हमें फीचर्स का पता होगा। जैसे लेंथ जो है वो हैंगिंग में अंडरस्टूड है, ज्यादा होगी। स्ट्रैंगुलेशन जो कि गला हाथ से रस्सी बांध कर मारने को कहते हैं, तो वो छोटी होती है उसमें रस्सी। उसके बाद एप्लीकेशन जो है वो सिंगल टर्न है, जबकि स्ट्रैंगुलेशन में दोबारा दोबारा मोड़ मोड़ के करेंगे ताकि जल्दी डेथ हो जाए। नॉट जो है वो ऑब्वियसली पिछली साइड पर होगी, जिसको टिपिकल हैंगिंग का हमने क्लासिफाई किया था। स्ट्रैंगुलेशन में मेजर जो है ये आगे से नॉट बांधी जाती है। लाइगेचर मार्क जो है इसके ऊपर बात करते हैं, तो ये लाइगेचर की तरह ही है, साइट जो है वो पीछे होगी और स्ट्रैंगुलेशन में आगे या मिडिल साइड पे होगी। डायरेक्शन ओब्लिक होगी और एक ओरिजेंटल होगी। ओब्लिक इस वजह से क्योंकि लटक क्या है इस वजह से, और स्ट्रैंगुलेशन में हम उसकी पोजीशन पे रख के हमने मारा है, तो गले की पोजीशन पे, इस वजह से स्ट्रैंगुलेशन में ओरिजेंटल होगी। एक्सटेंट जो है उसमें इनकम्प्लीट है, कम्प्लीट है, नॉट इम्प्रिंट है। अगेन एक ही तरह के पॉइंट्स को डिफरेंट तरह के फीचर्स में डिवाइड करके उन्होंने लिखा हुआ यहाँ पे, ताकि अदर पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमें तीन मेजर चीजें देखने को मिलती हैं, साइनोसिस, कंजेशन एंड पिटिकल हेमरेज, जो कि हमें गैरोटिंग में मिलता है। साइनोसिस ये तीनों एक जैसे हैं, यानी कि खून की कमी होगी तो साइनोसिस, उसकी वजह से फेशियल कंजेशन होगी, उसी वजह से पिटिकल हेमरेज यानी कैपिलरीज से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, तो ये सारी गैरोटिंग में ज्यादा होती है। नेल मार्क्स जो है वो जस्ट फॉर द सेफ्टी, यहाँ पे डिफेंस वुंड्स की वजह से गैरोटिंग में या फिर स्ट्रैंगुलेशन में हमें नजर आते हैं। ओके, स्पेशल पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स जो है, गैरोटिंग आ गया, जो कि मैंने पहले बताया था कि नेक के ऊपर लाइगेचर बांध के मारा जाता है, तो ये उसी तरह जैसे हैंगिंग के हमने पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स देखी थी। तो एक्सटर्नल लाइगेचर मार्क जो हमने इसमें चेक किया है पहले ऊपर वाले सीक्वेंस में, यहाँ पे कवर कर लिया। इसमें जिस तरह मैंने बताया था कि इंजरीज ऑफ द नेक, थायरॉइड कार्टिलेज जस्ट इसमें डैमेज होता है या फ्रैक्चर होता है, और ये एमसीक्यू में पूछा गया। इसके अलावा एग्जामिनेशन ऑफ लाइगेचर मार्क हमने कवर कर लिया, मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन ये भी हमने कवर कर लिया है। इसके अलावा मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन में जो है इंटरनल इंजरीज, उसमें फ्रैक्चर ऑफ हाइओइड एंड थायरॉइड कार्टिलेज, हाइओइड बोन और थायरॉइड कार्टिलेज दोनों की है, ये एमसीक्यू है। इसके बाद ट्रोमेटिक एस्फिक्सिया जो कि पहले से एक एक्सप्लेन कर दिया था। केमिकल में
कोई क्वेश्चन नहीं है, ड्रोनिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसकी दो टाइप्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, फिर उसकी दो टाइप्स हैं प्राइमरी की, टिपिकल और एटिपिकल। और इसकी इसकी जो मोड ऑफ डेथ है उस पर ऐसे ही आते हैं कि इनमें मोड ऑफ डेथ के बेसिस के ऊपर इनको डिवाइड करें। तो टिपिकल जो है इसकी फिर आगे जो है दो टाइप्स बनती हैं। टिपिकल में एक फ्रेश वाटर है और एक सॉल्ट वाटर की है ड्राउनिंग। तो एक में सिन कोप, वो आगे हम देखेंगे अच्छे से हम कवर करेंगे, एक में सिन कोप है मोड ऑफ डेथ और एक में एस्फिक्सिया है। जबकि इसमें एटिपिकल ड्राउनिंग में वेगल या लेरिंजियल इनिबिशन या स्पाज्म है, और ये दोनों सेम ही चीज है क्योंकि लेरिंजियल नर्व जो है वो वेगल नर्व की ही ब्रांच है। तो उसकी इनिबिशन हो जाए या उसकी नर्व की ब्रांच की इनिबिशन हो जाए तो एक ही बात होती है। तो हम इस तरह याद कर सकते हैं आसानी के लिए। आगे चलते हैं इनके मैकेनिज्म के ऊपर, सीक्वेंस ऑफ डेथ के ऊपर, जो कि पूछा जाता है, यही एसीक्यू में पूछे जाते हैं। तो पहले देखते हैं फ्रेश वाटर ड्राउनिंग के ऊपर। फ्रेश वाटर ड्राउनिंग में होता यह है कि जो वाटर है ना, इसका की वर्ड ये है कि वाटर जो है ना वो सर्कुलेशन में एंटर हो जाता है जब लंग्स के थ्रू। लेकिन साल्ट वाटर ड्राउनिंग में वाटर जो है वो लंग्स में नहीं जाता, सॉरी वाटर जो है वो सर्कुलेशन में एंटर नहीं हो पाता, वो लंग्स में रहता है। ठीक है, ये मेजर की डिफरेंस है इनका। अब इसी के बेसिस के ऊपर डेथ हम देखते हैं। पहले चलते हैं वाटर इन एयर पैसेज एंड लंग्स। तो वाटर क्या करता है, एब्जॉर्प्शन होती है, सर्कुलेशन के अंदर चला गया लंग्स के थ्रू। तो वो सर्कुलेशन में जैसे गया तो दो चीजें होंगी, एक तो हीमोडाइलेशन जिससे हार्ट ओवरलोड हो गया, डेथ होगी। इसके अलावा सर्कुलेशन में गया तो आरबीसीज को डायरेक्ट जाकर इसने हीमोलाइसिस करवा दी, यानी कि आरबीसीज खत्म, वो तोड़ दी। हाँ, आरबीसीज के अंदर बहुत ज्यादा पोटेशियम होते हैं जो कि प्लाज्मा से 20% ज्यादा होती है और ये बड़ी खतरनाक होती है। जैसे ही लाइसिस हुई है तो रिलीज ऑफ पोटेशियम हुआ, हाइपरकलीमिया, और ये कार्डिक टॉक्सिक के फॉर्म में डेथ काज करते हैं। तो इसमें जो है वो हार्ट से रिलेटेड डेथ है जिसको सिनकोप कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो वाटर जो है सॉल्ट वाटर में, वाटर जो है वो लंग्स के अंदर ही रहता है, सर्कुलेशन में नहीं जाता, जिससे क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, वाटर जो है लंग्स में जिस तरह पल्मोनरी सर्कुलेशन से जो है वो पानी चूंकि ज्यादा है तो उससे क्या होगा, साल्ट है, साल्टी वाटर है तो इसकी जो साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो वाटर जो है सर्कुलेशन यानी ब्लड में से भी वाटर कंटेंट जो है वो सर्कुलेट करके या उसकी डिफ्यूजन होती है या ऑस्मोसिस के थ्रू वो लंग्स में आना शुरू हो जाता है। इससे क्या होगा, दो चीजें होंगी। फर्स्ट वन, लंग्स में एडिमा हो जाएगा क्योंकि वहां पे ऑलरेडी पानी है साल्ट वाटर की सूरत में और लंग्स का भी पानी उधर आ गया, सॉरी सर्कुलेशन का भी कॉन्टेंट, वाटर कॉन्टेंट उधर आ गया। तो क्या हो गया, ब्लड सर्कुलेशन भी उधर ही आ गया तो उससे पल्मोनरी एडिमा हो गया और पीछे जो बाकी गया ब्लड वो क्या हो जाएगा, वो हीमो कंसेंट्रेट हो गया। अब हीमो कंसेंट्रेट जिसे हाइपोवोलीमिया भी कहते हैं उससे होगा और उससे क्या होगा, सर्कुलेटरी शॉक। जबकि पल्मोनरी एडिमा से क्या होगा, एस्फिक्सिया, उससे भी मायोकार्डियल एनोक्सिया और फिर कार्डिक स्टैंड स्टिल और डेथ। और इसमें मेजर जो डेथ है ना वो एस्फिक्सिया से होती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, अब अगेन इसमें एक और ऐसी क्यू है साइट ऑफ साइंस ऑफ ड्राउनिंग का। तो इसके दो साइंस हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। इसको याद करने का तरीका ये है, ये एक टेबल है साल्ट वाटर और फ्रेश वाटर जो हमने अभी कंपैरिजन मैकेनिज्म में किया वही इधर लिखे हुए हैं, तो वही लिख देंगे तो ये टेबल भी हमारा कवर हो गया साथ ही। अच्छा, अब हम साइंस के ऊपर बात करते हैं ड्राउनिंग की, जो साइंस है पहले एक्सटर्नल पे करते हैं फिर इंटरनल। और इनको याद करने का तरीका ये है कि पहले देखते हैं हाइपोस्टेसिस और कैडावरिक स्पैज्म इसमें है, तो ये दोनों ही पोस्टमार्टम चेंजेस हैं मेजर। तो पोस्टमार्टम हाइपोस्टेसिस और कैडावरिक स्पैज्म जैसा कि हमने थैनाटोलॉजी में पढ़ा था तो इनको हमने एक ही कैटेगरी में कर दिया, बाकी जो है वो स्पेशल साइंस हैं जो जस्ट ड्राउनिंग में नजर आती है, जैसे क्यूटिस एनसेरेनिया जिसको गूस फ्लैश कहते हैं, जिसमें ये होता है कि इरेक्टर पाइलाई मसल्स जो हैं वो इरेक्ट हो जाते हैं, उनकी कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। इसके बाद वॉशरमैन्स हैंड, नाम से पता चल रहा है कि ये ड्राउनिंग के साइन में आ सकता है। प्रेजेंस ऑफ फोम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंटरनल भी है और एक्सटर्नल दोनों साइंस में हमें नजर आती है, इस वजह से कॉमन भी है, भूलेगी नहीं।
पेटिकल हेमरेजेस हैं, और इन पेटिकल हेमरेजेस को ICU में अलग से पूछा गया है, जिसको यहाँ पे मैंने मेंशन किया है पेटलोस हेमरेज कहा जाता है, इस नाम से पूछा गया। सो ये टोटल हेमरेज है, और इसके साथ एक और है इंजरीज, डिफरेंट इंजरीज होती हैं, वो यहाँ पे इधर लिखी हुई है जो हम खुद से भी लिख सकते हैं। सो इस तरह हमने क्या किया है कि हाइपोस्टेसिस और कैडावरिक स्पैज्म को एक डिवीजन कर ली, हेमरेजेस और इंजरीज को एक डिवीजन कर ली, बाकी मेजर जो साइन जो जस्ट इसमें नजर आते हैं जिसमें क्यूटिस आर एंसेरिना वाशरमैन्स और प्रेजेंस ऑफ फॉर्म एक डिवीजन कर ली। ये हमारे फीचर्स एक्सटर्नल कवर हो गए। आगे चलते हैं इंटरनल फीचर्स के ऊपर। तो ये हमने किस तरह कवर करने हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू कवर करने हैं। सबसे बाहर जो है ना वो है नोज माउथ या एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, तो वहां पे हमें फॉर्म नजर आएगी, म्यूकोजा भी उसके अंदर प्रेजेंट होगी। आगे चलते हैं लेरिंग्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक का अगला हिस्सा आता है लेरिंग्स, वो कंजेस्टेड होते का। उसके बाद आ जाएगी एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में क्या होते हैं एम्फिसीमा एक्वेसम, इसमें ये होता है कि जो लंग्स हैं वो इतने ज्यादा एक्सपेंड कर जाते हैं कि वो उनके ऊपर रिब केजेस की इंप्रेशन पड़ती है, साथ ही राइट साइड पे हार्ट पड़ा हुआ है तो हार्ट को भी पुश करती है ये, तो इसको बोलते हैं एम्फिसीमा एक्वेसम। इस वजह से अब हार्ट भी हम साथ ही कवर करते हैं कि उसके ऊपर जो है वो डायलेट कर देगा, यानी कि उसके ऊपर इंप्रेशन पड़ेगा। हार्ट के नीचे चलते हैं तो एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं, तो वहां पे क्या हमें मिलेगा कंजेशन और पेटिकल हेमरेज। उधर ही स्टमक है मेजर, तो वहां पे वाटर कंटेंट मिलेगा और वहीं पे ग्रेट वेन्स हैं जैसे वेना केवाई है, तो उससे स्पीडेड मेसेंटेरिक है डिफरेंट वेन्स हैं, उसकी क्या हो जाएगी वो भी ब्लड से उस वो डार्क रेड ब्लड से भर जाएंगे जो कि ब्लड क्लॉट नहीं होगा। आगे आ जाते हैं टेस्ट फॉर ड्राउनिंग, और इस पे MCQ आया हुआ है। इस पे दो तरह के मेजर टेस्ट है, केमिकल टेस्ट है और डायटम्स टेस्ट है। डायटम्स टेस्ट एल्जी लाइक मटेरियल है, स्पीशीज होती हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ब्लड में जस्ट ड्राउनिंग की सूरत में डेथ में हमें नजर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एटिपिकल ड्राउनिंग का, जो हमने पहले कवर कर लिया था, इसकी दो रीजंस थी इनकी। पहले तो देखते हैं दूसरे नाम, हाइड्रोकोशन और इंप्रेशन सिंड्रोम भी बोलते हैं और ड्राउनिंग इन कोल्ड वाटर भी बोलते हैं इसको। एक है वेगल इनहिबिशन, ये हम खुद से लिख सकते हैं वेगल इनहिबिशन किस तरह होगी, और दूसरा जो है लेरेंजियल स्पाज्म। और अगर नहीं लिख सकते तो ये हमारे पास सीक्वेंस है, यहाँ से भी हम कवर कर सकते हैं पूरे के पूरे टॉपिक को, किस तरह से फॉल इन वाटर हुआ, पानी में गिर गया, वाटर एंटर्स एयर पैसेज, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, जैसी फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगी तो लेरेंजियल स्पाज्म हो जाएगा। सो ये कोई हाईफाई नहीं है, हम खुद से लिख सकते हैं लेरेंजियल स्पाज्म, एक्सफिजिया और डेथ होगी। डिस्पेरिज्म जो है ये पैथोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी में कवर हो जाएगा। आगे चलते हैं एस्फिक्सिया स्टिग्मेटा, सॉरी ये स्टिग्मा लिखा हुआ है, ये बेसिकली स्टिग्मेटा है, ये इसमें ट्राइएड हमें मिलता है जिसको बोलते हैं साइनोसिस पेटिकिया और इसके अलावा विसरल कंजेशन। साइनोसिस जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, जिसको मैंने एक ही तरह कर दिया था कवर गरोटिंग के अंदर भी, जब हमने गरोटिंग या स्ट्रेंगुलेशन हैंगिंग को डिवाइड किया था, तो उसमें अदर्स में यही तीन ट्रायल्स हमें मिले थे मेजर, साइनोसिस कंजेशन, फेशियल कंजेशन और पेटिकिया। तो ये एस्फिक्सिया स्टिग्मेटा में भी यही होता है, और ये 15 to 30 seconds लगते हैं इसको होने में after any asphyxial condition. Okay, यहाँ पे हमारा complete होता है पूरा traumatology. उम्मीद करता हूँ कि इसमें maximum चीज़ें सीख ली होंगी, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाजमी शेयर करें अपने fellows के साथ, सब forensic medicine के students के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अगली वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।